बार कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान मलिक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक के एक गलत मैसेज पहुंचे मैं ट्रॉफी जीतू, तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक गलत इंसान के हाथ में, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए? भाई टेंशन मतलब तू वैसे भी नहीं जीत रहा है। डू यू थिंक ये पब्लिसिटी थी या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट? हां तो ऑफ कोर्स ट्रॉफी मैं चाहता हूँ कटारिया मकबूल में से कोई उठाए, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात जो आपने पूछी कि उन्होंने बिल्कुल सिंपति के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दो मिनट दे दो, एक मिनट रुको 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 एक मिनट भाई मेरे को बोलने तो दो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक रही बात सिंपति की, उन्होंने मेरे निकलने पे जब मैं इविक्ट हुआ तो उनके प्रोफाइल पे एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ डाला हुआ है, मेरा भाई है वेल प्लेड विशाल। आप इसी से समझ जाओ कि क्या ये हैं, क्या ये इनकी जो बीवी है बाहर पायल जी, वो उनकी टीम क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर भी वो इंसान क्या बोल रहा है। और मैं जैसे मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। लास्ट में निकलते हुए आप हग करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था विशाल? इतने प्यार से हग किया था। प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चुक माफ बोला था निकलते टाइम जब उन्होंने मेरे को हग किया था, तो भूल चुक माफ, ठीक है? तो खैर माफ़ तो नहीं किया हूँ मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं, जो उनके हिसाब से जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं, तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम मिल ले कोई बात नहीं, बट हेट और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाहर आके पायल के वीडियोस तो देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जब वो शो पे आई थी वीकेंड के बाद पे, तो उन्होंने आपको बोला कि एक माँ है ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट ये सब होने के बाद वो बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आती है कि हमें जो क्लिप दिखाई गई वो गलत दिखाई गई। इवन वड़ा पाव वाली की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि हमें अनकंफर्टेबल होता है विशाल के सामने, तो अच्छा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए निकल गई ना घर से। बाहर आने के बाद वो चीजें वो लोग इतने मैनिपुलेट से बोल रहे हैं कि हमें जो चीजें दिखाई गई हमें उस नजरिए से हमने बात किया, बट अभी हम सॉरी बोलते हैं विशाल को, उन्होंने सॉरी भी बोला है बट और फिर आके बाहर पलट गई ना, राइट? तो अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको क्या लगता है फेक ये सब जो हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है? हाइप बढ़ नहीं रही है भाई, घटी रही है हाइप, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उन लोग उल्टा और गलत ही साबित हुए जा रहे, जितना कर रहे उतना दलदल में फंस रहे हैं। और जहाँ तक रही बात चंद्रिका की, अनसेफ हो रहा था इसलिए तुम निकल चुके हो घर से, अभी तुम सेफ घूमो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो बंदी का ना एक मुद्दा था ना एक स्टैंड था, अपने पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थी अपने, ना कोई किचन है पट्टी है मेरे आंखों पे पट्टी है ये है वो है, बस उसमें ही लगी थी। और जहाँ तक रही बात, मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे काफ़ी सारी चीज़ें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो उनको मैंने 2 सेकंड में माफ़ कर दिया। और अगर बाहर आके वो कर रही तो भाई वो उनके ऊपर है, वो उनकी उनका माइंड सेट है। थैंक यू गाइज, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू गाइज़।